हे जैसे शिव कुमार, तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार में फ्लड्स के बारे में। जी हाँ, बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है। वैसे टॉपिक्स तो बहुत सारे, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, और चाहे माइग्रेंट्स वर्कर हो गया, चाहे बिहार में बेरोजगारी है, इनका टॉपिक्स तो काफ़ी सारे हैं। मगर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में फ्लड्स के बारे में, बिहार में जो बाढ़ है। वैसे मैं बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि बिहार में कितने सारे राज्य हैं जो दह चुके हैं, मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति है, क्या स्थिति है बिहार की। और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको जो मतलब कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या कारण है बिहार में बाढ़ आने का। और उसके बाद वैसे मैं बता दूँगा, सो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार फ्लड्स से। पहले मैं बता दूँगा, इस चैनल पे आप नए हैं तो जैसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नए नए वीडियो, जैसे कि कॉलेज से रिलेटेड हो, ब्लॉग्स हो, चाहे जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हो, या मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जो बिहार में जगह है वो आपको देखने को मिले। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज बिहार फ्लड्स के बारे में। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर का क्या हाल है। यहाँ पर मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है, और देख सकते हैं काफ़ी दयनीय स्थिति है मुजफ्फरपुर का ही, मुजफ्फरपुर का ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे ज़िले का यही स्थिति है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दरभंगा का भी वही स्थिति है। आप देख सकते हैं मतलब कि घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा जगह चारों तरफ पानी ही पानी लग चुका है, और काफ़ी मतलब ख़राब स्थिति है बिहार का भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर दरभंगा ही नहीं बल्कि शिवहर, सीतामढ़ी, सहरसा, पटना, यही लगभग 17 से ज़्यादा ज़िले अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। और लगभग 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो फैला हुआ बिहार में से 26,000 किलोमीटर स्क्वायर में मतलब बिहार दह चुका है। यहाँ से कि 1100 से ज़्यादा पंचायत दह चुके हैं, 111 से ज़्यादा ब्लॉक्स दह चुके हैं, यहाँ तक कि लगभग 66 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, और यहाँ तक कि कुछ लगभग 22 लोग से ज़्यादा मर भी चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह पानी में हैं, और काफ़ी मशक्कत करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ तक कि झोपड़ी के घर पे लोग रह रहे हैं, ताकि किसी तरह ज़िंदगी का सर्वाइव कर सके और जीवन यापन कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर रोड टूटते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मुजफ्फरपुर का ये हाल है। और उसके बाद कहीं पर आपको बांध टूटते हुए नज़र आएंगे, और मतलब कि काफ़ी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल टूटते हुए भी नज़र आपको आ रहा है, यानी काफ़ी ख़राब स्थिति है बिहार की अभी। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा शहर, पूरा गांव, मतलब कि जितने भी सारे एरिया है पूरे दह चुके हैं। और यहाँ पर मतलब कि NDRF की कुछ टीम दिख रही होगी आपको। यहाँ पर हम लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर अभी घूम रहे हैं, ताकि जिससे जायज़ा लिया जा सके बिहार की अभी क्या हालत है, और क्या मतलब कि कितने पानी लग चुके हैं, और कौन कौन से इलाके बचे हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पानी ही पानी है, मतलब कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है फिलहाल। वैसे सरकार अपना मदद हर संभव कर रही है, और ये देख सकते हैं आप पूरा तरफ पानी पानी आपको दिख रहा होगा, लोग इसी में अपना आगाजमन कर रहे हैं। वैसे अंग्रेजी हमारी थोड़ी अच्छी है, हिंदी भी काफ़ी अच्छी है, सुनते रहे, आगे बढ़िए। यहाँ पर बात की जाए, कोई मीडिया नहीं अभी तक है, आगे शुरू में एक दो दिन दिखाया भी गया न्यूज़ पर, उसके बाद साफ बंद कर दिया गया, कोई मीडिया कवरेज नहीं है। ना कि अभी तक किसी बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा काफ़ी बड़े डोनेशन की, किसी भी प्रकार की डोनेशन नहीं आई हुई है, और काफ़ी ख़राब स्थिति बिहार की हो चुकी है अभी। और बात की जाए, जो 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 डोनेशन आई भी है वो एक यूट्यूबर है जो कैरी मिनाटी है, उसके तरफ से 11 लाख रुपया, उसके बाद आशीष चिंचलकर की तरफ से 1 लाख रुपया, और प्रियंका चोपड़ा की तरफ से एक डोनेशन कैंप लाया गया है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो ऑफिशियल ट्वीट्स है, और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी ने अपना इंडिया टीम के कुछ ऑक्शन लगाए हैं, जिसमें अपना सामान सब बेच रहे हैं। In these troubled times, the states of Assam and Bihar need our help. Assam और बिहार के लोग फ्लड्स के कारण काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। People there are facing a lot of difficulties due to destruction caused by the floods. It is now time to come together and help our fellow countrymen if they are out of need. मैं अपना साइंड मैच जर्सी ऑक्शन कर रहा हूँ। मैं अपनी मैच बॉल जिससे मैंने हैट्रिक लिया था। मैं अपनी मैच बॉल जिसमें मैंने साउथ अफ्रीका सामने 5 विकेट खोल लिया था। मैं 100 T20 जर्सी। मैं साइंड इंडियन टेस्ट जर्सी। आई हैव डिसाइडेड टू ऑक्शन द टेनिस रैकेट दैट आई वन द 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल्स विद। माय बैट विद व्हिच आई स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन द IPL। अ पेयर ऑफ क्रिकेट पैड्स साइंड बाय मी एंड यूज्ड व्हाइल प्लेइंग फॉर इंडिया। जो भी अमाउंट हम रेज करते हैं विल हेल्प चिल्ड्रन एंड पीपल इन द अफेक्टेड एरिया। Click the link below or in bio to know how you can help. Together, we will overcome this situation. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे देशवासियों की रक्षा करे। We are together for Assam and Bihar. 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 We are together for Assam and Bihar.
और बात की जाए बिहार सरकार के द्वारा, तो दिन भर में 2 बार भोजन दिए जा रहे हैं और सर्वे टाइम पे टाइम किया जा रहा है। उसके बाद जितने भी घर जो इसमें बाढ़ में ढह गए उन्हें 6,000 रुपये दिए जाएंगे और NDRF और SDRF की टीम भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि पॉलीथीन भी दिए जा रहे हैं घर आने के लिए और सारी काफ़ी सरकार के द्वारा मदद किए जा रहे हैं। और बात की जाए बिहार में बाढ़ के कारण क्या है, तो आइए जानते हैं बिहार में क्यों है जो हर साल बाढ़ आ ही जाती है। तो इसके 5 मुख्य कारण है। सबसे पहले आता है नेपाल, उसके बाद इम्बैंकमेंट के कारण यानी कि बांध का, उसके बाद डिफोरेस्टेशन, चौथा में नदी यानी रिवर और 5वें नंबर पे आता है एक फरक्का बैरेज जो काफ़ी नाम है इसका। आइए जानते हैं डिटेल में एक पर एक, मतलब कि एक एक करके जो क्या क्या कारण। देखिए नेपाल में 3 नदी मुख्य है जैसे कि नारायणी, बागमती और कोसी। ये तीनों का जो पानी है वो इंडिया में भी आता है। इंडिया में पानी आ रहे कारण स्पेशली बिहार में आ रहे कारण वो जितने भी लोलैंड एरिया है यानी कि जो निचली भूमि है और प्लेन्स है उसमें पानी बह जाता है, जिसके कारण जो छोटे मोटे बांध होते हैं वो टूट जाते हैं और जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और उसके बाद भी वहाँ पर नेपाल में 2 मुख्य अति जैसे कि कोसी नदी है, वहाँ पर 2 मुख्य पुल बनाए गए, जैसे कि एक हो गया कोसी रिवर एम्बैंकमेंट और उस पर कोसी बैरेज पुल्स। उस दोनों को रोकने टूटे नहीं, इसके लिए नेपाल में फरक्का बैरेज गेट है उसे खोल दिया जाता है, जिसके कारण इंडिया में पानी काफ़ी तेज आती है और स्पेशली बिहार में, और जिसके कारण बाढ़ आ जाती है बिहार में। और दूसरा कारण है इम्बैंकमेंट। आइए जानते हैं अब उसके बारे में। देखिए यहाँ पर तो सिस्टम इम्बैंकमेंट का, जब पहले 160 किलोमीटर इम्बैंकमेंट था यानी बांध था तो मात्र 25 लाख स्क्वायर मील हेक्टर ही पानी में होते थे, लेकिन जब से 3500 किलोमीटर हुआ है ये नंबर लगभग 3 गुना हो गया, 70 लाख स्क्वायर मील हेक्टर दह गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर बांध का जो सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब है, यानी कि जो निचले एरिया है उसे पानी हमेशा लगी हुई रहती है और जो ऊंचे के एरिया से पानी पहुँच नहीं पा रहे हैं। यानी लगभग नॉर्थ बिहार में जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसमें 60% ऐसा एरिया जहाँ पर परमानेंट पानी लगा हुआ रहता है। और बात कर ली जाए रिवर की, यानी कौन कौन सी नदियाँ जिसके कारण ये बाढ़ आती है, तो सबसे पहले गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा, घाघरा और भूथानी बांध। ये लगभग 8 नदी है जिसके कारण जब ये ओवरफ्लो होती है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। और उसके बाद कर ली जाए फरक्का बैरेज की, तो ये लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा है जो मलदा से लेकर मुर्शिदाबाद इतने चौड़ी फैला हुआ है, और इसके बनने के कारण वाटर लेवल है 8 मीटर बढ़ जाती है, जिसके कारण ओब्लिक फ्लो होता है, पानी किधर से भी निकल जाता है और स्लिट्स यानी कि जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो नदी में काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण नदी का लेवल थोड़ा ऊँचा हो जाता है, पानी ओवरफ्लो होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है जो बाढ़ के कारण बन जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं अब थोड़ा कैसे इसे कंट्रोल किया जा सके। तो इसे सरकार को इसे एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाना होगा जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके, उसमें जो स्लिप्स होता है उसको दूर करना होगा और उसके बाद इसे मैनेज करना होगा। इम्बैंकमेंट का जो यहाँ पर सिस्टम है, जो बांध बनाए गए हुए वो काफ़ी रॉन्ग सेपरेशन से बनाए गए हैं, कोई खास सेपरेशन इसका नहीं है। जो नीचे एरिया है वो हमेशा नीचे में पानी लगा हुआ रह जा रहा है और ऊँची जगह पर पानी पहुँच नहीं पा रहा है। उसके बाद और सारे जो कुछ कारण है उसको दूर करना होगा, ऐसे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इस पर काम चल रही है। कुछ ही समय में आपको मैंने कि अगर जरूरी हो तो मैं आपको नए वीडियो में समझा सकता हूँ इसे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे आई थिंक मैंने इस वीडियो में सारे चीज़ कवर कर लिए है। यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ है, वैसे आपने इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे हिस्टोरिकल पैलेस से रिलेटेड हो, चाहे ब्लॉग्स हो या किसी भी जगह टेम्पल, यानी कि जितने भी घूमने वाले जगह सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आइए चलिए देखते हैं ब्लॉग, आइए इस ब्लॉग्स को देखें बिहार की क्या हालत है, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।
Let's go. 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 Let's